का नाम लेके। देखिए आज प्रदेश में महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं, पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। आप किसी परिवार से पूछिएगा तो गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 900 किया, इस पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। आज सरसों का तेल 50 से 200 कर दिया, ये तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप वहीं पेट्रोल जो है 60 रुपया से 100 पार कर दिया, ये नहीं दिखाई दे रहा है। सरसों का तेल आपने सुना ही, अरहर की दाल 55 से 125 हो गई, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे गृह मंत्री जी को दूरबीन ऐसे लगाते हैं, कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं है, और उन्हीं के मंच पे उन्हीं के दाहिने बगल में बैठा हुआ अजय मिश्रा टेनी 302 का खुद अपराधी है। वो देखते हैं दूरबीन से 300 सीट मिल रही है दूरबीन से, और उनके सभी मंत्री कहते हैं 300 सीट मिल रही है, और 300 किलो RDX आया पुलवामा में, आज तक वो नहीं दिखाई दिया कि कौन लेके आया। आप देश के गृह मंत्री हो, क्या CBI जांच क्यों नहीं कराई? लेकिन जो आपको मुख्तार अंसारी का जो है राजनीति सूत्र बताया जा रहा है उस पर बताएं मुझे। ऐसा है ना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी पगला गई है। 27 अक्टूबर के जो रैली भई है ना, वो रैली ये लोग का दिमकवा पगला ही गया। 27 अक्टूबर को आप देखिएगा ना, ये 27 अक्टूबर का ये हाल है। अभी 27 नवंबर को आपके हरदोई में कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, 5 लाख लोगों को जुटाऊंगा, एक भी नेता हमारा उत्तर पूर्वांचल से नहीं जाएगा। उस दिन भारतीय जनता पार्टी आईसीयू में जाएगी, झजक जाए यहाँ सा ऐसे नहीं, आईसीयू में जाने के बाद मरीज झजकता है, वैसा कुल भाजपा ही झजकी है। अभी तो सूटर बताओ थो ना तो काल को कह लगे कि प्रधानमंत्री। अभी आप देखिए, अभी हमारे गृह मंत्री का बयान बारे में, हमारे देश के गृह मंत्री बनाए गए हैं, कह रहे हैं कि जब रावण मरण सैया पर था तो भरत जी को रामचंद्र जी ने कहा कि जाओ भरत उनसे ज्ञान लो। अब बताइए पूरा रामायण उलट दिए, अब क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा में आपके साथी रहे असदुद्दीन ओवैसी, कंगना रनौत के वाले बयान को बोलते हैं कि अगर यही बात एक मुसलमान बोलता तो उसकी बखिया उधेड़ ली जाती, सहमत हैं आपके? आप 100% वो सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख करके लोगों से बुलवाती है, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए, जातिवार जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने से ध्यान भटकाने के लिए। आपने देखा अभी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल के का नेता क्या बोला? अगर वही दूसरा कोई बोला होता अब तक वो जेल में होता, उसके ऊपर बुलडोजर चलता योगी जी का। कहां इनका बुलडोजर, कहां इनकी पुलिस? भगवान राम को जिस तरह टिप्पणी की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म का प्रचार करते हैं। इसी बयान को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है कि जैसे गंगा पापियों को पाप धोती है, बीजेपी वैसे पापियों को शामिल करती है, तो सही है कहे? मतलब आप कांग्रेस के साथ भी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत, उनके विचारों से सहमत है। इटावा में SP को थप्पड़ मारता है बीजेपी का नेता, उसको जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। चिटफंड कंपनी हमारे बंगाल में, पूरी भाजपा उनके खिलाफ आंदोलन की चिटफंड कंपनी को लेकर। जब वो अपराधी बेईमानी धूर्तबाजी लुटेरा भाजपा ज्वाइन कर लिया तो राष्ट्रीय महासचिव बन गया भाजपा का, ये प्रमाण है। रीता बहुगुणा जोशी का मकान जलाने वाला व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर लिया तो एकदम क्लीन हो गया, वो तो कुछ लोग फिर CI झिड़क दिए या झगड़ दिए। अच्छा, भाजयुमो को जो देश के अध्यक्ष हैं सूर्या बंगलोर से सांसद भी, उनका कहना है कि अखिलेश ने दुर्गंध फैलाई थी, हम परफ्यूम बांट रहे हैं वो UP में। हम इतना लोग होगा कोई के मिले? अभी तो कल से अभी तो कल से शुरुआत हुई है गोरखपुर में, क्यों हंस रहे हो भाई? वो बांट रहे हैं, अभी तो गोरखपुर में भी मैं फोन किया था, एक काम था मीटिंग के संबंध में, तो वहाँ किसी ने ये नहीं बताया कि परफ्यूम बांट रहा है। अच्छा, ये जबान से बांटते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जबान से बांटते हैं। अच्छा, आपको जबान से दे देंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा। सर कन्नौज वाले यहाँ नहीं पहुंची परफ्यूम अभी तक? नहीं, देखिए 15 लाख पहुंचा, 2 करोड़ नौकरी पहुंची, महंगाई कम हुई, यही ना जबान से बोले हैं लोग भाजपा लोग। उसी तरह का आएगा ना, 9 मन गेहूं हो ना राधा गौने जाइ है। एक हम कंपैरिजन चाहेंगे, पिछला 5 साल ये 4.5 साल, तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा बता दीजिएगा हमको। पिछली सरकार की उपलब्धि जान लीजिए, पिछली सरकार में 500 रुपए में काम होता था,
तो इस सरकार में 25,000 रुपए में थाने पर काम होता है। मतलब पिछले सरकार में करप्शन होता था, 500 रुपया था रेट होता था ना। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं होता था, 500 था रेट, इसमें 25,000 रेट हो गया है थाने पर। अब उस सरकार का तुलना कर लीजिए, अभी बयान दिया नोएडा का एसपी की सरकार में जिले बिक रहे हैं 80 लाख 70 लाख 60 लाख सस्पेंड हो गया। इसी सरकार के अमिताभ ठाकुर का आइडिया सुना है आपने मुलायम सिंह के साथ? नहीं भैया, हमको आइडियो जरा भेज दीजिएगा, सुन लेंगे तो बताएंगे। ठीक, आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए चलिए। अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, आप आगरा से आगरा एक्सप्रेसवे पर कभी मौका मिला होगा, गए होंगे, 5 साल के अंदर पूरा तैयार हो गया। और यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो योजना अखिलेश यादव जी की बनाई हुई योजना है, उस योजना पर इन्होंने काम किया और अभी तक उद्घाटन आज हो रहा है और काम आज भी 60% अधूरा है, 60% अधूरा है। पिछली सरकार में अन्ना पशु बुंदेलखंड में थे, इस सरकार में अन्ना पशु पूरे उत्तर प्रदेश में आ गए, पूरा किसान परेशान है, आम आदमी सड़क पे परेशान है। इस सरकार में, पिछली सरकार में महंगाई नहीं थी, इस सरकार में महंगाई 100% महंगाई हो गई। पिछली सरकार में आप उठा के देखेंगे तो अमन चैन था, भाईचारा था, लेकिन इस सरकार में एक आखिरी सवाल, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि मुगलों ने भारत को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, कितना सहमत हैं आप कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से हम इतना सहमत हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो देश में तमाम फैक्ट्रियां बनी जो कांग्रेस की सरकार में बनी। कांग्रेस की सरकार में एक उपलब्धि और थी कि थाने पर कोई भी व्यक्ति किसी दल का जाता था तो उसकी बात सुनी जाती थी, सही और गलत का निर्णय होता था। लेकिन इस सरकार में पार्टी के हो तो आप चाहे मुड़ी काट दो तब भी आप सही हो, इस सरकार का है, अपराधियों को बचाने की साजिश करती है सरकार। आप मणिशंकर के बयान से संतुष्ट हैं? मणिशंकर के बयान को अब हम पूरा पढ़ेंगे तब बताएंगे। सपा के गवर्नमेंट बनती तो डिप्टी सीएम बनेंगे महाराज, हम बाकाली, हमारी सोच है कि अखिलेश जी को सीएम बनाएंगे और डिप्टी सीएम, अखिलेश जी को सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम कौन बनेगा? हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए लड़ रहे हैं। आप अनिल राजभर जी को हमेशा जब भी बात होती है आप बच्चा कहते हैं, ठीक है, लेकिन अनिल राजभर ने जी कहा है कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर को ऐसा राजनीतिक सुख करेंगे कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। लोडर लोग हैं, मालिक की मर्जी से बोलते हैं, जब ये बोलते हैं तो मालिक इनको चारा डाल देते हैं थोड़ा सा, तो फिर जब खत्म हो जाता है तो फिर ये बोलते हैं, फिर मालिक चारा डाल देता है। एक सवाल ये भी है, मालिक जब चारा डाल देता है इनको तो इनका मुंह बंद हो जाता है, ये हमेशा यही है, जैसे बच्चा रोता है ना तो माँ दूध पिलाती है, ठीक उसी तरह ये लोडर लोग हैं, मालिक लोग जानते हैं ये सब, इसका चारा खत्म हो गया इसको चारा दे दो। भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप लोडर थे, लीडर थे, अभी भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में हैं, लेकिन आप दूसरे समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के साथ आप अलायंस में हैं, वहां पे क्या कहा जाए, लोडर या लीडर? लीडर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है महाराज, हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश जी अपनी पार्टी के हैं, प्रेमचंद प्रजापति अपनी पार्टी के हैं, बाबूराम पाल अपनी पार्टी के हैं, अनिल चौहान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग अपनी अपनी पार्टी के मालिक हैं। ये लोडर जाकर के हुआ, चाहे जितने हैं भाजपा में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, ये सब के सब लोडर हैं। मतलब आपकी पार्टी में भी आपको छोड़ बाकी सब लोडर हैं? लोडर नहीं है, मालिक कैसे ऐसे बैठते हैं, आऊंगा, हिम्मत नहीं है, डांट के भगा दिया ये जेपी नड्डा, भाग यहाँ कैसे चले आए तुम, हमको ज्ञान नहीं है, काम नहीं करते हो, यहाँ चले आते, भगो यहाँ से, डांट के भगा दिया, देखा नहीं वीडियो का, ना देखा हो तो हमको संदेह में भेज देंगे। एक समय में आप समाजवादी पार्टी को मंच से कहते थे कि समाजवादी पार्टी जो इनको वोट देगा वो अपनी बहन बेटी देगा, ऐसा ना ना कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, तोहार मुड़ी हमारे में, हमारे मुड़ी तोहरे, और तोहार आवाज हमारे में, हमारा आवाज तोहरे, ये भारतीय जनता पार्टी।